सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी ने दिया धरना। 15वें वेतनमान की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। काफी समय से 15वें वेतनमान की मांग को लेकर कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आज इसी के चलते धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार से फिर से मांग की गई। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा कर्मचारियों को 3% देने का प्रस्ताव दिया गया, जिस पर कर्मचारी ने इसकी निंदा कर 15% की मांग रखी। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि राज्य सरकार द्वारा ऋण माफी चल रही है, जिसकी वजह से बैंक को भारी नुकसान हो रहा है, जिसका भुगतान भी उन्होंने सरकार से मांगा है। हमारा 15वां वेतनमान 53 माह से लगातार लंबित है, सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी गत 15 जून 2018 को सरकार द्वारा वार्ता कमेटी से 3% की हमको ऑफर दिया गया है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये बिल्कुल भी हमको मान्य नहीं है किसी भी हाल के अंदर। अभी वर्तमान में ऋण माफ़ी योजना चल रही है, इन ऋण माफ़ी योजना से बैंक के अंदर ऋण माफ़ी योजना के समितियों पर बैंक में कैंप लगाए जा रहे हैं, उस कैंप से बैंकों और समितियों को भारी हानि हो रही है। 50,000 से लेकर 1,00,000 तक का उसमें वित्तीय खर्च हो रहा है। हम मांग करते हैं कि इस वित्तीय खर्च की भरपाई राज्य सरकार या केंद्र सरकार करें। साथ ही अभी वर्तमान में अल्पकालीन फसली ऋण जो किसानों को दिया जा रहा है वो 0% पे दिया जा रहा है। वो पैसा हमारा डिपॉजिटर का पैसा है, जो 7-8% उच्च दर का है, उस पर जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत जो नाबार्ड आती है, जो उसका उपक्रम है केंद्र सरकार का, वो अभी तक भी उसकी अल्पकालीन जो योजना है वो लागू नहीं करी है, नीति लागू नहीं करी है, जिसकी वजह से हमको बहुत उच्च दर पे वो पैसा मिल रहा है लोन बांटने के लिए किसानों को। फिर भी बैंक अपना नुकसान करके और किसानों को जो है ऋण बांट रहा है ताकि किसान आत्महत्या नहीं करे, किसान जो है फसल अपनी उगा सके समय पे, और इसकी सारी वित्तीय हानि जो बैंक को हो रही है उसकी भरपाई राज्य सरकार केंद्र सरकार नहीं कर रही है और इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। सब कुछ होने के बावजूद भी बैंक प्रॉफिट में है और जो भी हमारा 15 वेतनमान की मांग है उससे किसी भी तरह का वित्तीय भार राज्य सरकार केंद्र सरकार पर नहीं पड़ेगा। फिर भी राज्य सरकार की हठधर्मिता कहें क्या कहें कि अभी तक हमारा वेतनमान समझौता लागू नहीं किया जा रहा है। 3% की जो वृद्धि के लिए हमारे को जो दिया गया है उसके लिए हम बिल्कुल उसकी जो है कड़े शब्दों में सभी कर्मचारी एक सुर के अंदर निंदा करते हैं और हम आशा करते हैं, मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे को कम से कम 15% से 20% की वृद्धि का हमको ऑफर दिया जाए। और जब तक हमको 15% से 20% की वृद्धि का ऑफर नहीं दिया जाएगा, हम इसी प्रकार से जो है आंदोलनरत रहेंगे और इस आंदोलन के आगामी पड़ाव के अंदर हम 25 और 26 तारीख को स्ट्राइक करेंगे। पूरे राजस्थान की सभी 29 CCPO और एक अपेक्स बैंक 300 इकाइयाँ पूर्णतया बंद रहेगी, सभी का जो है कार्य का बहिष्कार रहेगा और फिर भी सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी जाती है। तो हम अजमेर यूनिट ये घोषणा करते हैं, हम अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जाएंगे और किसान को और पब्लिक को जो भी कोई अगर इसकी हानि होती है, कोई असुविधा होती है बैंकिंग कार्यों के अंदर, उसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार दोनों की होगी। और हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि सरकार की तरफ राज्य सरकार की तरफ बकाया 25% हिस्सा राशि है वो सरकार जल्द से जल्द हमारे को दे ताकि हमारी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके, हम और बैंकों की कंपटीशन के अंदर हम विकास कर सकें। मुकेश शर्मा, सचिव, यूनाइटेड फोरम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक यूनियन।